आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोहा सूजी का डोसा। ये डोसा बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनता है और सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए तो बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है। तो हेलो फ्रेंड्स, भारतीज कुकिंग एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर दो बाउल लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए, ये सूजी है, ये मोटी सूजी है। आप कौन सी भी सूजी ले सकते हैं, छोटी बड़ी दो साइज़ की होती है। इसे हम एक बाउल में डाल देंगे। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने वही माप से पोहा लिया है। ये देखिए, ये पतला पोहा नहीं है, ये नॉर्मल पोहा है। इसे भी डाल देते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों में पानी डालना है। ये देखिए, इतना बहुत है। अब पोहा में भी हम पानी डाल देते हैं। पोहा को भी हमें सेम उसी तरह से भिगोना है जिस तरह से हमने सूजी को भिगोया है। ये देखिए, अभी इसे हम 10 मिनट तक अच्छे से भीगने देते हैं ताकि ये दोनों अच्छे से फूल सके। ये देखिए, 10 मिनट भिगो के रखे थे, आप देख सकते हैं सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है और पोहा भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल चुका है। और जिस कटोरी से हमने सूजी और पोहा लिया था उसी कटोरी से दही लेना है हमें। तीनों मेजरमेंट सेम है, एक कटोरी दही, एक कटोरी सूजी, एक कटोरी पोहा। अभी हमें इसे तीनों एक करके पीस लेना है मिक्सी में। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बैटर पीस लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए जैसे हम नॉर्मल डोसा बनाते हैं, उससे थोड़ा पतला चाहिए। ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मिक्स करते हैं इसको अच्छे से। इंस्टेंट डोसा बनके रेडी हो जाता है ये, और टेस्टी डबल होता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत इजी है बनाना, कुछ मेहनत नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए, आधा चम्मच इनो, जो एक पैकेट होता है उसका मैंने आधा लिया है। अभी इनो को एक्टिवेट करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। मिक्स करते हैं। इनो डालने के बाद इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है। ये देखिए, खाली हल्का सा मिक्स करना है इस तरह से। बस हो चुका। चलिए हम फटाफट डोसे बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने तवा गरम कर लिया है। अब इस पे थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस तरह से कपड़े से पोंछ लेंगे। और अब ये बैटर है, ये डाल देंगे हम 1 से 1.5 चम्मच, देखिए इस तरह से। और इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है, ये खुद से फैल जाता है। देखिए, अभी इसे ऐसे ही छोड़ना है और 2 मिनट तक पकने देना है एक साइड से। ये देखिए, 1 मिनट भी नहीं हुआ है, कितने अच्छे से बबल्स आना स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब हमारा बैटर एकदम परफेक्ट हुआ है। ये देखिए, 1.5 मिनट ही हुआ है, अभी इसे हम पलटी मार देते हैं, अच्छे से पक चुका है। ये देखिए, अभी इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, आधा मिनट बहुत है। ये देखिए, आधा मिनट में मैंने फिर से पलट दिया है। ये देखिए, हमारा डोसा एकदम परफेक्ट तैयार है। अभी इसे प्लेट में रख देते हैं और आपको मैं एक बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारे डोसे बनकर तैयार है। तो चलिए इसे मस्त सर्व करते हैं। तो ये देखिए, हमारे सूजी और पोहा के डोसे बनकर तैयार है। इसे आप आलू की सब्जी, नारियल की चटनी, सेजवान की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।